लाहौर गैंग वार में एक अहम पेशरफ्त हुई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है और जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले मुलजमान को पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म किया है और मुलजमान का कहना है कि ये जावेद भट्ट को कत्ल करने की जो मनसूबाबंदी है ये 2.5 माह कबल की गई थी और 2.5 माह कबल अमीर बलाच के भाई अमीर मौसब के डेरे पर शालमी में उनके डेरे पर मुलाकात हुई थी और उसमें अमीर मौसब ने 5-5 लाख रुपए और 5-5 मरले का घर देने का कहा था कि जावेद भट्ट को आप कत्ल कर दें तो हम आपको 5-5 लाख रुपए और 5-5 मरले का घर देंगे। ये मुलजमान ने कहा है कि शालमी में अमीर मौसब के डेरे पर उनकी मुलाकात हुई और 2.5 माह से हम रेकी कर रहे थे। जावेद भट्ट के घर के बाहर रिक्शों पर आते थे, रेकी करते थे, सवारियाँ बन के इंतज़ार करते थे और मुकम्मल रेकी की गई और ये कहा कि अमीर मौसब से जो मुलाकात हुई थी वो उनके काबिल एतमाद मुलाजिम आरिफ ने करवाई थी और जिस दिन जावेद भट्ट को कत्ल किया गया केनाल रोड पर उस दिन भी आरिफ मौका पर वारदात पर मौजूद था और जो इत्तलात हैं वो ये थी कि पहले रिक्शा बदल कर आते रहे, फिर बाइक पर आए और जैसे ही गाड़ी इशारे पर रुकी तो उन्होंने फायरिंग करके जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया। जावेद भट्ट तीफी भट्ट के बहनोई है और जावेद भट्ट को जब कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद अमीर मौसब का एक वीडियो बयान भी जारी हुआ था, उसमें उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की और इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि हमें विक्टमाइज़ किया जा रहा है, हमें विक्टम बनाया जा रहा है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि तीफी भट्ट बाहर भागे हुए हैं और गोगी भट्ट पाकिस्तान में अहम सरकारी जगहों पर रह रहे हैं और हमें कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है, मुझे और मेरे भाई अमीर फतेह को कत्ल किए जाने का ख़दशा है, हमें मार दिया जाएगा। और उन्होंने CCPO लाहौर से दरख्वास्त की थी कि इस केस को ख़ुद देखें और हमें जान का ख़तरा है और हमें बचाया जाए। लेकिन अब ये जो इत्तलात आई हैं इसमें पुलिस ने जो एक बयान जारी किया है कि मुलजमान ने एतराफ़ किया है, मुलजमान कहते हैं कि अमीर मौसब ने रेकी करवाई, अमीर मौसब ने डील की, अमीर मौसब ने जावेद भट्ट को कत्ल करवाया और इसके पीछे अमीर मौसब है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर भी यही है कि अमीर मौसब ने अगर कत्ल करवाया है तो अमीर मौसब का वो वीडियो बयान भी जारी हुआ है, लेकिन मामला फिर वही है कि ये लाहौर गैंगवार का हम हिस्सा है और इसमें दिन दिहाड़े एक शख्स को केनाल रोड पर कत्ल कर दिया जाता है और अभी तक उसमें कोई मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया कि किसने किया है, कैसे किया है। इससे पहले एस एन शाह मर्डर केस हुआ और ये तमाम ऐसी वारदातें हैं, ऐसे मामलात हैं कि जिन पर अहम इंक्वायरी होनी चाहिए और लाहौर का अमन बहाल करने में हुकूमत को अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि लाहौर के शहरी महफूज तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और क्योंकि लोगों में पिछले एक साल से ज़्यादा डर खौफ बढ़ गया है, अमीर बलाच का कत्ल हुआ और उनके उसमें जो जिसने रेकी की थी मुबैना तौर पर एहसन शाह उनका भी कत्ल हो गया और उसके बाद दिन दहाड़े जावेद भट्ट को केनाल रोड पर रोककर कत्ल कर दिया गया, तो इसे पूरे शहर में खौफ व हरास है और इस पर मामला फिर वही है कि हुकूमत को अहम इंक्वायरी करनी चाहिए और जो मुलजमान है उनको कटहरे में लाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।